ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी हंडिया बन चुकी है। ये हमारा जी हबीब बनू आलू गोश्त तैयार हो चुका है। रेसिपी का नाम बता दे। हैं हबीब बनू आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप भी बिल्कुल खैरियत से। तो व्यूअर्स इधर जी बैठे हुए हैं हस्बैंड और इधर बाजी, ये किसी बात पे जी हंस रहे हैं। क्यों हंसी आई है जी आपको? तो अभी बस जब मैं बात कर रही हूँ तो ये बातें शुरू कर देते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है तो ये फिर बोलती है कि ना बोला को। तो अभी बस वो शोर आ जाता है, शोर आता है। YouTube वाले ना पसंद नहीं करते। तो वीडियो खराब हो जाती है ना, समझ नहीं आती। तो ये जी मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर करने वाली थी तो इन्होंने मुझे फिर बातों में लगा दिया। आज ही बनाने लगे हैं जी आलू गोश्त, ठीक है? और आलू गोश्त कौन बना रहा है जी? हस्बैंड साहब बना रहे हैं, ठीक है? अपने मुबारक हाथों से बनाएंगे क्योंकि कल जी हमारे चने पके हैं तो उसमें नमक नमक भी नहीं था, मिर्च भी नहीं थी, कोई काट पाएंगे ना नमक। अच्छा लून भी आप कैसे बस यहाँ पे जी रोज हमारी लड़ाई होती है जी हड्डिया पर, क्योंकि मिर्चे ज्यादा होती है। हस्बैंड जी मिर्चे बहुत ज्यादा खाते है, बहुत ही ज्यादा खाते है। तो ये मिर्च नहीं खा सकती है बिल्कुल, इसके मुंह में पता नहीं क्या है। मेरे मुंह में पता नहीं क्या है। क्या बताओ ना, हमें तो नहीं लगती है मिर्च। मिर्चें लगती है ना मुझे, क्यों? चले साथ साथ धनिया भी लगते हैं, फिर बाकी बातें शेयर करते रहते हैं, ठीक है? तो इधर ये देखे जी आलू आ चुके हैं और इधर प्याज है और गोश्त किधर है? तो ये जी बीफ है, ये गोश्त आ गया जी, साफ सुथरा कर लिया, धोकर रख लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये सब्ज मिर्चे हैं जी। बताएं जी आप किस तरह करना है, यखनी वाला बनाना है ना? हाँ जी, पहले आप यखनी बनाएं, वो ही डालें। चले डालें, बाकी जी डालते जाएं। अदा पा दो ना, अदा मसाले और ये लहसुन अदरक, नमक डाल दिया है। हाँ जी, 3 चम्मच डाल दें आप, बाद में फिर टेस्ट कर लेंगे। हल्दी डालें इसमें, हल्दी भी जरूर, एक और पाव। चलो अच्छा पाव। हाँ पाव ना मिर्चे केड़ियाँ अच्छा ना पाव है, एक चम्मच पाव दे पास ना। मिर्चे बहुत कम डाली है जी। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं डाली, वो सिर्फ मोटी मिर्चे ना दादड़ वो डाले। अब वो डाले, ये देखे भी बस मिर्चों पर लड़ाई होती है जी हमारी। चाहे दादड़ मिर्च, हाँ ये डाले आप 2 चम्मच ना। हाँ ये डाले फिर, ठीक है? अब डाली ना जितनी मिर्च, बाकी बाद में नहीं डाली। एक पाव दे। हाँ बस बाद में नहीं जी डालने देनी, 1 चम्मच बड़ी है बस कर दें। चले थोड़ी जो रहेगी कसर वो ये सब्ज मिर्चें ये बारीक करके डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है ना? नहीं नहीं वो उसमें नहीं डालते। तो की की पाने पे करियां मिर्चा जीरा सारा कुछ एक पतलियां पतलियां। हस्बैंड कह रहे हैं जी सात तंदूर वाली रोटी बनाए। हां घर में बना ले या बाजार से ले? नहीं बाजार से तो नहीं लाएंगे, इधर लगाएंगे जी बाजी आग। यही बना हम तो व्यूअर्स, हमारे घर में जी लड़ाई जो है वो आजकल जो है वो चल रही है जी मिर्चों। तो मुझे मिर्चें लगती तो नहीं है, लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है बात। तो मुझे तो मिर्चें लगती है, मुझे अब नहीं पता चलता। सिर्फ एक आदमी को लगती है बात तुम्हें, बस आप इतनी ज्यादा मिर्चें लगती है। पूरा कुंभे को नहीं लगती है। और पूरा कुंभे को क्यों नहीं लगती? 10 आदमी से एक आदमी के लिए ना, औरत के लिए। अच्छा अगर एक बंदे को प्रॉब्लम है तो क्या उसके साथ? हम सब कुर्बानी दे रहे हैं ना आपकी। बड़ी आप बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। कौन सी कुर्बानी दी है? मिर्चे नहीं खा रहे हैं रात को, बस चने पके हैं तो वो किसी ने खाए नहीं है। मिर्चों की कम होने की वजह से ये अच्छे नहीं लग रहे। ये जी प्रेशर कुकर को खोल लिया है तो दिखाएं जी अपने व्यूअर्स को कि किस तरह जी गोश्त हो गया है। गल गया? हाँ जी। ये देखें जी गोश्त तकरीबन गल चुका है तो आप बोटियां निकालेंगे। हाँ बोटियां अलग और यखनी अलग करेंगे, ठीक है जी। ये जी गोश्त को निकाल लेंगे किसी बर्तन में। ये गोश्त निकाल लिया है और इधर भी यखनी निकाल ली, ठीक है?
तो आप मसाला वगैरह तैयार करेंगे। नमक, ये सारे मसाले जी रख लिए हैं, ये आलू, ये पेस्ट है जी टमाटर का, लहसुन अदरक प्याज और ये सब्ज़ी मिर्चें। तो इधर जी डालेंगे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप इसमें भी डाल दिया है, बना रहे हैं नए तरीके से, बना रहे हैं नए तरीके से, आप देखा नहीं तुमने जिस तरह आप बन्नू बनाते हैं ना उसी तरीके से बना रहे हैं। ये बन्नू वाला तरीका ही है जी, देखो जी इसको बोलेंगे बन्नू बीफ आलू इनकी अपनी रेसिपी होती है बस। तो प्याज डाल दिया, बन्नू बीफ आलू, ये देखिए बस सवा चार बजे बिजली जाती है, लाइट आई थी तो सुबह सवा चार एक इस टाइम सवा चार, अब एक घंटा लाइट नहीं होगी। रेसिपी का नाम बता दे। हैं हबीब बन्नू आलू गोश्त, आलू गोश्त इनका नाम ही बस हबीब है, तो अपने नाम पे जी इन्होंने अपनी रेसिपी का नाम रखा है। चलो रोस्ट करें तो फिर बाकी में आते हैं। ठीक है, अब इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त की बुनाई करेंगे अब इसमें करेंगे जी। इसमें टमाटर हम डाल रहे हैं, टमाटर का पेस्ट, ये जी आज काली मिर्च का पाउडर डालेंगे नेशनल वालों का, वो डिब्बा दिखा दें उसमें से जी ये पैकेट निकाल इधर आके दिखा दें, क्योंकि सूखी मिर्च है जी आज बहुत कम डाली है, उसे सूखी मिर्च को मिर्चों से जी लड़ाई होती है, लड़ाई ख़त्म कर दिया जी हस्बैंड ने, आज हस्बैंड ने लड़ाई ख़त्म कर दी और जी हमारी बात मान ली। ये लेमन भी डालेंगे जी, फ्रेश लेमन है जी। इसमें आप आलू डालते हैं, अच्छी तरह जी रोस्ट हो चुका है गोश्त आलू, अब इसमें जी गोश्त भी डालना, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना ना जी, ना पानी तो नजदीक भी नहीं। ये जी सब्ज मिर्चे डाल दी है, सब्ज मिर्चों के बाद आप इसको लगा लेते हैं दम पे, दम लगाए देखे जी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी हंडिया बन चुकी है। ये हमारा जी अभी बनू आलू गोश्त तैयार हो चुका है, धनिया डालते हैं, ये हमारी जी गैस वाली आज तंदूरी तैयार हो रही है, इस पर रोटी लगेगी। बाजी ने जी ये रोटी तैयार करके एक लगा भी दिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी वाह वाह बड़ी प्यारी रोटी बनी है जी, दिखाएं जी अपने व्यूअर्स को, ये देखिए जी माशाल्लाह ये गैस वाली रोटी बनी है तंदूर पे, गैस वाला तंदूर है जी, ये गैस वाला तंदूर है जी, ये देखिए इसमें जी हम बहुत कम बनाते हैं क्योंकि गैस हमारी होती नहीं है, कम है। अब इसमें जी दो रोटियाँ पड़ी हुई हैं, इस तरह जी ये गद्दी है, गद्दी के ऊपर बाजी डाल के तो फिर ये इस तरह रोटियां लगाती हैं जी। माशाल्लाह रोटियां बना ली हुई हैं कुछ, दिखाएं जी बड़ी प्यारी रोटियां बनी हैं जी, चेकी सी क्यों माशाल्लाह माशाल्लाह, आज ये आलू गोश्त के साथ ये तंदूर वाली रोटियां हैं। बेहतरीन हमारा सालन रोटी तैयार हो चुका है, तो ये देखिए जी तंदूर की रोटी है जी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त हमारी आज रोटियां बनी है जी। पहली दफा हमने सालन के साथ गैस पे तंदूर वाली रोटी बनाई है जी, गैस पे, गैस वाला तंदूर, गैस वाला तंदूर मट्टी वाला नहीं है जी, गैस वाले वो तंदूर पे जी रोटी बनाई है, और साथ ही ये सालन हमारा बन गया, दिखाएं जी बाजी। तो ये जी आप डालते हैं जी बर्तन में और खा के आपको बताते हैं कि हमारा सालन कैसा बनना है। शक्ल से तो जी बड़ा मजेदार लग रहा है, हस्बैंड साहब ने तो आज लगता है कमाल कर दिया, खा के देखो ना फिर पता चलेगा, खा के देखेंगे। रात हो गई है व्यूअर्स, देखें जी बाहर, बाहर दिखा दे, बाहर भी दिखा, ये देखें जी व्यूअर्स बाहर रात है, ये देखें जी माशाल्लाह।
तो विवाह ये देखे जी माशाल्लाह शक्ल से ही जो आज सालन है ना बड़ा जबरदस्त लग रहा है। टेस्ट करते हैं जी। वाकई जी बड़ा ही मजेदार बना है। आप बताएं जी मजेदार बना है आरिस जी? मजेदार बना बाजी तो जी। हाँ जी वाकई यकीन करें जी। आज जी हस्बैंड से मैंने बड़ी सारी लड़ाई की है कि मिर्चें नहीं डालनी, काली मिर्च डाली है, काली मिर्च और सब्ज मिर्च डाली है। तो यकीन करें कि बहुत ही ज्यादा टेस्ट आया है और मिर्चें तो है शुक्र है कि मिर्चें नहीं डाली। तो अभी आज तो हस्बैंड ने जी कमाल कर दिया है और सब पति दिल जीत लिया है। अच्छा खाना बना हफ्ते में जी एक आध दफा ये खाना बना के सबका दिल जीत लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें रेडिया नहीं बना ली, फिर जी मिर्चें आप ही डाले आप ही डाले। तो अभी मैं इसी के साथ जी मैं इजाजत चाहूंगी। तो अब हम सब जी मिलकर खाना खाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ आपसे रिक्वेस्ट होती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि जी मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो इसी तरह जी हमारा साथ देते रहे, हमारी वीडियो को जी पूरा वॉच किया करें और भैया जो जी मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो इसी के साथ जी मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।